महाकवि रामधारी सेन दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रति सर्ग 5 के भाग 4 और 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं 4 और 5 भाग। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी, छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेंका, उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सो गई मुझको पाते ही भय से, पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था, तुमने जन कर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना, अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कहकर उसके बदले तुम्हें पुकारूं, अर्जुन की जननी मुझे ना कोई दुख है, ज्यों तो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है, जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है, आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था, पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया, समग्र जीवन में अज्ञात शील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना, बाधाओं के ऊपर चढ़कर धूम मचाकर पाया सब कुछ मैंने, पौरुष को पाकर जन्मा लेकिन अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी, दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे, पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझे वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ आई दुर्मोहे तने से, मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही, क्या कहूँ देवी मैंने तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा, था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देख तुमने जिसका अवरोध तनय में, शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ, सम्मान मिले यश बड़े बधुमंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में, पाओ सुध्वी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अगजन्मान नहीं मलिन परितापी, सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी ना गवाया तुमने मुझे गवाकर, पर अंबर पर जिसका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत उन्होंने भी तो देखा होगा, धारा पर सज्जात पुत्र का वहना, माँ का हो वज कठोर दृश्य वह सहना, फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक अनसंग का जलना अमित दुखों में, यह दोनों जब मर कर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे, जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर व्यथा तृप्त होता मन को समझाकर, अब रहा ना कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावर में, पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी, सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है, यदि इस पट पर अंकित चित्र नहीं हो, उज्ज्वल हो काली मल लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल हमारी जय का, जग में संचित कुलसित समृद्धि समुदाय का, पर हाय ना मुझ में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे, देखा ना दीन कतार बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को, विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्ना दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबको समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई, सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी, अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति युक्त कर दो मुझे भेज दो वन में, पर मैं ना प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख ना कभी मोड़ूंगी, यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है, सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक से सिवा
और क्या लेता, उड़ जाती रज सी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती रतिपूत अनल के खुलकर, शायद समाज टूटता वज्र बनकर तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद व्यक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल लेना पड़ता मुझे भवन से, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, थक किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती, भोगती रास सुख रह कर नहीं महल में, पालती खड़ी होकर मुझे कहीं तरुतल में, लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहती सती सुचरिता नारी, मैं बगड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाता ना वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गो तुम्हारी, पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां जाऊंगा, छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर, गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है, खोला ना गुड़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथीपन में, आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो, पर से वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंक तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे, है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैंने वंश में फिर वापस जाने का, दिव्यता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर, यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नई नई है, जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से, जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है, अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा, मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीत यह क्या है, जोड़ नहीं बिछोड़ने व्युक्त कुलजन से, फोड़ने तुम आई हो मुझे दुर्योधन से, सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है, अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो, अंता स्नेह की वेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा, भुज कड़ा खींचने मुझे ना क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी, केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना, ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आए रिपुबल को, लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, कुरुपति का मेरे रोम रोम पर रण है, आसान ना होगा उससे कभी उरण है, चल किया मगर तो क्या जग में यश लूँगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा, हो चुका धर्म के ऊपर न्यौशावर हूँ मैं, चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ, अप्रत प्रसून के लिए न यूँ ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ, राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आँखों से झरने लगे अश्रू वह बह के, कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी, अंबर पर मोती गुथे चिकुन फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे थी, धूम रही तिमिरांचल निशा पसारे थी, दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलना न कोई खग था, झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी, रश्मि रथी सर्ग 5 के भाग 1, 2 और 3 को यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें।